साइबर क्राइम की दुनिया में उत्पात मचा रहे सातिर फ्रॉड को बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी योगेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में दी है। एसपी ने बताया कि वर्ष 2017 से साइबर क्राइम की दुनिया में एटीएम से हेराफेरी कर लाखों रुपए का चूना अब तक वैसे लोगों को लगा चुका है जिन्हें एटीएम से रुपया निकालने की जानकारी नहीं थी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सातिर बदमाशों पर दर्जनों लूट, हत्या एवं छिनतई के मामले दर्ज हैं। आरोपी बदमाश जिले के बखरी थाना क्षेत्र के सकरपुरा निवासी मुकेश पोद्दार का पुत्र कुख्यात अपराधी टिंकू पोद्दार उर्फ आतिश कुमार है। पुलिस कप्तान ने बताया कि वर्ष 2021 में अपराधियों द्वारा बखरी थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड संख्या 1 निवासी ब्रह्मदेव नागेश्वर साह की पत्नी ममता देवी से एटीएम की हेराफेरी कर 12 लाख रुपए के अवैध निकासी का मामला सामने आया था, जिसका उद्भेदन करने के लिए एसपी के नेतृत्व पर पुलिस टीम गठित की गई थी और पुलिस अपना लगातार दबिश बनाते हुए बीते 25 अप्रैल को कुख्यात टिंकू पोद्दार को बखरी बाजार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस अपराधी के द्वारा एटीएम लाइन में खड़े रहकर ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करता था जो स्वयं पैसा निकालने में दिक्कत महसूस करते थे। उन्हें अपने भरोसा पर लेकर उनका एटीएम अपने अनयूज्ड एटीएम से अदला बदली कर लेना इसके आपराधिक इतिहास में शामिल था और यह तब तक पैसा निकालते थे जब तक पीड़ित द्वारा एटीएम को बंद नहीं कराया जाता था। साथ ही अपराधियों द्वारा बेगूसराय मुंगेर में लगभग 15 से 20 व्यक्तियों का एटीएम का चलाते भी कर एटीएम से पैसे की निकासी की बात भी सामने आई है। अन्य आपराधिक इतिहासों में मुख्य रूप से बेगूसराय के हरदिया स्थित पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े चर्चित हत्या के बाद लूट कांड शामिल है। एसपी ने बताया कि लूट की घटना में राहुल महतो का सहयोगी था तथा इसके गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। एसपी ने बताया कि राहुल महतो वर्तमान में मुजफ्फरपुर बंधन बैंक डकैती कांड के आरोप में जेल में बंद है और आरोपी का गुरु माना जा रहा है। योगेंद्र कुमार ने भरोसा जताया है कि गिरफ्त में आए आरोपी को जेल भेजने के बाद साइबर क्राइम की घटना में कमी आएगी। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अपराधी जो कि साइबर फ्रॉड की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था उसकी गिरफ्तारी की गई है बेगूसराय पुलिस के द्वारा और ये व्यक्ति लूटपाट की भी घटनाएं स्वर्णकारों के साथ कर रहा था। पिछले साल सितंबर में एक महिला थी उसके साथ 12 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड की घटना इस व्यक्ति ने अंजाम दी थी। ये महिला पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पे लाइन में लगी हुई थी और ये अपराधी ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो एटीएम से अपना पैसा स्वयं नहीं निकाल पाते थे या जिनको एटीएम इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आती थी। ये उनका एटीएम प्राप्त करके उनको भरोसे में लेके उनके एटीएम को बदलता था बड़ी चतुराई से और इसने हाल के दिनों में कई अलग शहरों में कई अलग राज्यों में जाके लोगों के अकाउंट से पैसा की निकासी की है। तो ये जो कांड पिछले साल दर्ज हुआ था इसमें एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में एक टीम का मैंने गठन किया था। ये टीम लगातार इसमें काम कर रही थी और इसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस अपराधी की कल गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से कई सारे एटीएम और मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इसने अपना जो अपराध है वो भी स्वीकार किया है। इसके अलावा जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला ये बखरी का रहने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे बखरी में एक स्वर्णकार जो अपने कपड़े की दुकान को बंद करके घर की ओर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। उनका कुछ पैसा और ज्वेलरी इन लोगों ने छीन लिया था। उस घटना का भी मास्टरमाइंड यही व्यक्ति था। इस अपराधी का नाम है टिंकू पोद्दार उर्फ आतिश कुमार। इसने अपना वो अपराध भी स्वीकार किया है। पूछताछ में इसने बताया है कि इस समय बेउक जेल में एक अपराधी बंद है राहुल महतो, जो कि मुजफ्फरपुर में बंधन बैंक में एक डकैती की घटना हुई थी कुछ दिन पहले, उसके सिलसिले में ये बेउक जेल में बंद है। तो यह राहुल महतो इसका मेन मास्टरमाइंड है, ये इसका आप कह सकते हैं गुरु है। तो इन्हीं के गैंग का ये सदस्य है ये टिंकू पोद्दार और राहुल महतो के ही कहने पे प्लानिंग पे ये दो अन्य लड़कों के साथ आया था और उसने बकरी मार्केट में उस लूट की घटना को अंजाम दिया था। हम लोग ने इसका आपराधिक इतिहास पता किया है तो मालूम पड़ा है कि इस टिंकू पोद्दार का ये भी स्वर्णकार जहाँ पे रहते हैं वहीं का ये रहने वाला है। टोटल इस पे 7 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं जिसमें से 4 मुकदमे लूट के ही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ही टाइम पहले एक पेट्रोल पंप संचालक की लूट के दौरान इसने गोली मार के हत्या भी कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि करीब 7 जघन्य मामलों में इसकी आपराधिक हिस्ट्री है। हम लोगों को पूछताछ में पता चला है कि लूट और हत्या करने का जो अपराध है उसमें रिस्क काफ़ी होता है पकड़े जाने का। तो पिछले 2-3 साल से ये टिंकू पोद्दार जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हैं उसकी ओर ये जा रहा था। इसको ऐसा लगता था कि उसमें पकड़े जाने का खतरा काफ़ी कम होता है और एक वो एक प्रकार का सोफिस्टिकेटेड क्राइम है, लेकिन बेगूसराय पुलिस ने और बकरी एसटीपीओ की टीम ने
इस चैलेंज को चैलेंज के रूप में लिया, सीरियसली इस पे काम किया और कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। सर अब तक कितने रुपए की ये एटीएम से फ्रॉडिंग का काम कर चुका है? देखिए हम लोग को इसके कई सारे बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड मिले हैं, उस सबकी हम लोग जाँच करा रहे हैं। मैंने सभी बैंकों को मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ, इसके द्वारा जितना ट्रांजेक्शन हुआ उसका हम डेटा लेंगे और इसने कहाँ कहाँ शॉपिंग करके या पैसों को खर्च करके क्या क्या संपत्ति अर्जित की है उसको भी हम लोग पता करेंगे। वादनी भी आई थी हमसे मिलने, जिसके 12 लाख मेहनत के इसने साइबर फ्रॉड ने लूट लिए थे, तो हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि पुलिस पूरी कोशिश करेगी और न्यायालय के माध्यम से इसकी संपत्ति को हम लोग जब्त करके वादनी का पैसा जरूर दिलवाएंगे। सर ऑनलाइन? जी हाँ, ये एटीएम से जो फ्रॉड करता था उसके बाद जो पैसा इसके अकाउंट में आता था उसको ये बहुत ही चालाकी से विभिन्न शहरों में जाकर के निकालता था ताकि किसी को शक ना हो। और इसके अलावा भी और इसमें और भी कई लोगों को धमकियों की देके जो साइबर फ्रॉड के मॉड्यूल्स हैं इसने सारे के सारे अपनाए हैं। तो हम लोग को पता ये चला है कि अभी ये कुछ ही टाइम से साइबर फ्रॉड की ओर मूव करने लगा था, लेकिन उसका जो ओरिजिनल अपराध करने का पेशा था 2017 से हम जो देख रहे हैं वो गोली मार के लूट करने का था। तो बहुत ही शातिर क्रिमिनल था ये। इसकी गिरफ्तारी से कई और सारे लोग जो साइबर फ्रॉड के द्वारा इसे लूटे जाते वो भी बच गए हैं, और जो लूटपाट की घटनाएं कर रहा था जो बकरी में इसने की थी उसका भी हम लोग ने डिटेक्शन कर लिया है।